अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। यार ये इसका आवाज़ तो कम कर दो। तो यार मुझे जो है ना, उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आज का व्लॉग करते हैं शुरू। मुझे जो है ना गैरत आ गई है, मुझे आ गई है गैरत। ठीक है, क्या कहते हैं गैरत कहते हैं, क्या कहते हैं सास कहते हैं, जो भी है। अब जो है ना वीकली जो है ना मैं व्लॉग्स अपलोड करूँगा। और अभी भी जो है मैं जा रहा हूँ, हम जा रहे हैं गुलबर्ग। आज हम ट्राई करने वाले हैं सूप, जो कि लाहौर का सबसे बेस्ट सूप है। और लास्ट टाइम मुझे मेरे दोस्त ने पिलाया था, मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। वाकई जो है ना नंबर वन था लाहौर का। तो अभी दोबारा उधर जा रहे हैं, जिसने मुझे खिलाया था, नाम उसका साकिब है, वो वहीं पे मेरा वेट कर रहा है। हम वहाँ मिलेंगे, जाके सूप पियेंगे, ऑर्डर करेंगे, आप लोगों को दिखाएंगे कैसा है। आज जो है ना बेसिकली रिव्यू वीडियो है, सूप का रिव्यू करेंगे जाके। तो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, बीच में मेरे दोस्त का ही फ़ोन आ गया, वो वहीं पर मेरा वेट कर रहा है। और उसने ऑर्डर भी प्लेस कर दिया, अभी पहुँचने अभी तो मुझे 5 मिनट लग जाएंगे। तो अभी मैं कर रहा हूँ ड्राइविंग, ठीक है। आप लोगों से जो है ना वहाँ जाकर मिलते हैं, क्योंकि यहाँ की ट्रैफिक आप लोगों को पता ही है कि खुद को पहचाना ही है, मतलब इधर उधर से ट्रैफिक आती है, कहीं से भी आपको ठोक सकती है। तो इसलिए आप जो है ना ड्राइविंग करते हुए मोबाइल यूज़ ना किया करें। मैंने तो उधर रखा हुआ है मोबाइल। तो चलो मैं उधर पहुँच दूँ, फिर आप लोगों से गपशप करते हैं। यहाँ पे पहुँच गए हैं यम्स रेस्टोरेंट, जो कि गुलबर्ग रोड पर है। आप लोगों को मैं दिखा दूंगा। तो बस चलते हैं बाहर, चाबी निकाल लें, पर्स वगैरह पकड़ लें। चलो भैया जाके खाते हैं सूप। खाना वगैरह जो है ना मैं खा कर आ गया था घर से। मैंने कहा तबीयत थोड़ी ख़राब हो रही थी, मैंने कहा सूप पी लेते, थोड़ा बेहतर हो जाएगा। ताकि पहले भी ब्लॉग पे आ चुके हैं काफ़ी, और जो वीडियो वायरल जा रही है। साकिब कैसा एक्सपीरियंस लग रहा है यहाँ पे सूप का? मज़े का यार, मैं तो बड़ा फ़ैन हूँ यहाँ के सूप का, पीता रहता हूँ मैं, मुझे तो बड़ा पसंद आई है। लास्ट में आपने ही खिलाया था मुझे ना, और बड़ा मज़े का सूप है इसका, बड़ा आपको तो यखनी लगती है पूरे, जैसे आप घर की यखनी पी रहे हो, तो वही वाला टच है। और मज़े का सूप है इसका, और इन्वायरमेंट एम्बियंस बहुत कमाल है यहाँ। इन्वायरमेंट चेक कर सकते हो, बड़ा ही लेवल का बनाया हुआ है। रिएक्शन तो दो ना ज़रा सूप पे। टू गुड। तो सूप का आप लोगों ने ज़्यादा मज़ा लेना ना, तो क्रैकर के साथ खाया करो, बहुत मज़ा आता है इसके अंदर। ये हमने चाउमीन भी ऑर्डर किया हुआ, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, ये भी ट्राई करेंगे। सूप भी पसंद नहीं था मुझे, लेकिन अभी अच्छा लगने लग गया। तो अभी चाउमीन भी ट्राई करेंगे कैसा है। यम्स का जो है ना चाउमीन ट्राई करने लगे हैं पहली बार, देखते हैं किसना एक्सपीरियंस रहता है। ठंडा हो गया, ठीक है, इस पर नहीं। सूप नंबर ले गया, सूप का ज़्यादा लेवल। ये असल में आपने गुस्से में मंगवाया ना। तो कितने नंबर है इसके लिए, सूप के लिए? सूप के जो है ना वो पूरे नंबर है, और चाउमीन के जो है ना वो 10 में से 7। चाउमीन तो अच्छा मिल जाता ना कहने की, अच्छा सूप बहुत कम मिलता है, डिफरेंट चीज़ है।
डोमिनेंट का बहुत अच्छा, लेकिन ये है कि फिर भी 10 में से 7 ये तो क्या कहते हैं लोग आना चाहिए, हमें बिल्कुल आना चाहिए यार सूप के लिए। ज़बरदस्त जो है ना वो रेस्टोरेंट है, ये नंबर वन रेस्टोरेंट है चाइनीज का लाहौर में, मेरे ख्याल से हर एक को आना चाहिए, ट्राई करना चाहिए। नहीं लेकिन आज सूप का रिव्यू उतरा, सूप पीने का जरूर आना चाहिए। हाँ बाकी खाना ना खाना खाएं ना खाएं सूप ज़रूर पीने के लिए। ये है यम, यहाँ पे गुलबर्ग रोड पे आप देख सकते हैं, जैसे बाहर से आएंगे ना। चलो बच्चे बस चलते हैं, ये आपने देख लिया है गुलबर्ग पे है यम्स। उम्मीद है कि आपको जो है ना रिव्यू अच्छा लगा होगा। तो अभी मैं निकलता हूँ घर के लिए, काफ़ी ज़्यादा खा लिया, घर से भी खा कर आया था। चल बेटा कुलचा ना, चलो मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर बाद। तो यार यही था आज का वीडियो, मैं वापस घर जा रहा हूँ और क्या कहते हैं घर वाले के भी सूप पैक किया। और मैं आपको बता दूँ ये इनके इन्वायरमेंट बहुत अच्छी थी, जगह भी अच्छी है सर्दियों के लिए। अगर आपने आना बहुत रश होता है यहाँ पे, आप लोग जो है ना एक बार ज़रूर ट्राई करना, इतना एक्सपेंसिव भी नहीं है अगर सूप आपने लेना है। बाकी का मैं कुछ नहीं कह रहा, मैं स्पेशली सूप पीने के लिए गया था, इनका काफ़ी अच्छा था। तो मुझे तकरीबन जो इनका हाफ है वो जो है ना 3 बंदों के लिए है, तकरीबन 400 से 500 का के दरमियान है। और काफ़ी अच्छा सूप था, मज़ेदार भी था। उम्मीद आप लोगों को भी सूप का मज़ा आया, नहीं आप लोगों को रिव्यू का मज़ा आया होगा, सूप आप लोगों ने खुद ही जाकर ट्राई करना और मुझे बताना कैसा था। तो बस यही था आज का वीडियो ब्लॉग छोटा सा, तो बस चलते हैं। अगर आपको जो है ना रिव्यू पसंद आया तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा आपको। और उसके अलावा बस यही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो है ना अपना ख्याल करें और अल्लाह हाफिज़। मैं ड्राइविंग करूँ ना इतना पता नहीं है, और लोकेशन ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अगर आपने आना है तो आप गुलबर्ग आएँ, गुलबर्ग पे मैप में डालें या किसी से पूछ लें यम्स फूड, नहीं यम्स चाइनीज़ एंड थाई रेस्टोरेंट, आप लोगों को पता चल जाएगा।